बागी विधायकों को मनाने मुंबई पहुंचे कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को पुलिस ने रेनेसांस होटल में जाने से रोका। बागी विधायकों के समर्थकों ने गो बैक के नारे लगाए। मुंबई के रेनेसांस होटल में ठहरे कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी विधायकों की तरफ से मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी। चिट्ठी के बाद होटल की सुरक्षा बढ़ाई गई। कर्नाटक में सियासी संकट जारी। स्पीकर ने कहा 13 में से 8 बागी विधायकों के इस्तीफे कानून के मुताबिक नहीं। बीएस येदियुरप्पा बोले, हम विधानसभा के बाहर धरना देंगे, स्पीकर और राज्यपाल से भी मिलेंगे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी का पहला अमेठी दौरा आज। पार्टी के बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत गिरी, एक की मौत, 9 लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने कश्मीरी अलगाववादी असिया अंद्राबी के घर को जब्त किया। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर भारत को धमकी। कहा, अमेरिकी उत्पादों पर भारतीय टैरिफ अब और बर्दाश्त नहीं। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल सीनियर चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। और वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच बारिश के चलते रुका। आज रिजर्व डे पर खेला जाएगा मैच। मैच रद्द होने पर भारत फाइनल में।